एनिमल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कबूतरों का रंग लगाना सिखाएंगे। और ये रंग इसलिए है कि हम कबूतरों को, बहुत सारे कबूतर हैं जैसे हमारे पहले भी वही रंग कबूतर में छोड़ना था, तो पहचान लें। ऐसा नहीं है कि बाजू की जो लगाते हैं रंग मद्रासी पंजाबी उड़ाने वाले, वो नहीं है। बस सिंपल ऐसा है कि पहचान करने के लिए हम रंग लगाना, सस्ता रंग और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से लगाता हूँ कबूतरों को और आप भी लगा के दिखाऊँगा, बताऊँगा कौन सा रंग है और किस तरीके से लगाते हैं। तो अब मैं कबूतर लाऊंगा और रंग बना के दिखाऊंगा, देखिए आप, और इसको पहचान के लिए आप लगा सकते हैं अपने कबूतरों को भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रंग बनाने के लिए हमें एक प्लेट ले रखी है और ये एक टूथब्रश है। बस ये है कि देखना है मुलायम होना चाहिए, ये सख्त नहीं हो तो कबूतरों को दर्द होगा, वरना उसके परवर ख़राब होंगे। मुलायम होना चाहिए, सबसे सस्ता तरीके से बता रहा हूँ। घर का कोई ख़राब हो गया वो आप ले लो। और ये है रंग, ये हमने डिब्बे में रख रखा है। ये वही रंग है जो लोग पक्का रंग होता है और होली के टाइम पे मिलता है। अभी भी होली का टाइम चल रहा है तो ये रंग आपको आसानी से मिल जाएगा होली के टाइम पे। ये देखिए इस तरीके का रंग है, सस्ता रंग है और इसका मतलब कबूतरों पे कोई नुकसान नहीं है। मैंने काफ़ी बार लगाया है और कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बस सही तरीके से लगाओगे आप तो सही रहेगा। मतलब ये नहीं आँख वाँख में डाल देना कबूतर के ना अपने। और ये देखिए बाकी मैं इतना सा कलर लूँगा, ये तीली ले ली, थोड़ा सा कलर लूँगा, देखो कितना सा। ये भी आराम से 5-7 कबूतरों का लग जाएगा, इतना ही है, ऐसा होता है कलर। ये देखो ये कलर ले लिया, हरा रंग का कलर दिख रहा है ये। अभी इसको अपने वापस से रख दो संभाल के, बहुत 10-20 रुपए का रंग भी आपको सालों चल जाएगा अगर आपके ऐसे ही बहुत छोटा शौक है हमारे जैसा। ये रंग आ गया, ये ब्रश आ गया हमारा प्लेट में और ये बस थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे बिल्कुल बूंद बूंद के हिसाब से। ये बस ये इतना सा पानी डाल दिया तो ये रंग जो है हरा था, अब ये देखो लाल होता जा रहा है, इसमें मिला देंगे सारा। तो ये क्या है, ये इसमें मिला दिया मैंने सारा, तो इस अभी लगेगा भी नहीं है सारा, तो बहुत कम लगेगा इसमें से। ये जो है ना, अगर ऐसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसी जगह जम जाएगा, हरा हरा ऐसी शाइनिंग आने लग जाएगी। तो अब जब भी अगली बार इस्तेमाल करो ना, तो इसी को लिया, हल्का सा पानी लगाया, ब्रश पे यूँ करा और आपका तैयार हो जाएगा रंग। ये देखिए अभी बहुत रंग है ये, तो ये कबूतर में ले आया हूँ, इसके रंग लगाएंगे। इसको हम टूटने कबूतर में छोड़ रहे हैं, नया कबूतर है। तो अब इसको देखो यूँ करा, एक ऐसे करा, यूँ पकड़ लिया, पकड़ने का इसमें ब्रश में रंग लिया और ये इधर इतने आसानी से लग गया। बस इतना बहुत है, ऐसे इस तरफ लगाया, ऐसे फिर दूसरी तरफ पकड़ा, एक ही बंदे का काम है, इधर दो बंदे भी निकले। और ये रंग इधर भी लगा दिया, ये पहचान हो गई। अब उड़ते हुए मैं ये रंग दिखेगा, अब बैठा हुआ है तो उसमें अपने कबूतर में पहचानने के लिए उसके लिए क्या, ये दुम ली, दुम पे ये ऐसे करके ऊपर की साइड लगा दिया। और नीचे के साइड भी लगा देते हैं पहचान के लिए रहेगा। ये इसके कलर लग गया, ये इधर भी और इधर पीछे पूछ पे भी, दोनों परों में। और जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, अभी थोड़े पर ख़राब ख़राब से लग रहे होंगे लेकिन नहीं है ऐसा कुछ, ये अभी क्लीन हो जाएगा सब, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।